नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों जीएसटी से व्यापारी हुए त्रस्त। सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों से व्यापारी हुए त्रस्त। समाजवादी व्यापार सभा उप्र के प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर सदर के विधायक श्री संजय गर्ग जी के निर्देश पर आज समाजवादी व्यापार सभा वाराणसी के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष चरण दास गुप्ता और महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में 1 जनवरी 2022 से कपड़े और फुटवियर पर 5% से 12% बढ़ाने पर भाजपा केंद्र और यूपी सरकार के निर्णय का समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश विरोध करती है। महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि जीएसटी बढ़ाने से भारत सरकार बड़े उद्योगपति लोगों को बढ़ावा दे रही है और छोटे व्यापारी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव हृदय गुप्ता, मंडल प्रभारी जितेंद्र सेठ, जिला महासचिव राजकुमार यादव, सुमित जायसवाल, महानगर महासचिव आशुतोष सेठ, धर्मेंद्र जायसवाल, आशीष यादव, उदित सेठ, शरद गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। लाइव टीवी समाचार के लिए वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। मैं जितेंद्र सेठ, समाजवादी व्यापार सभा मंडल प्रभारी हूं। जितेंद्र जी, फिर आज आप लोगों ने ज्ञापन किसको दिया है और क्यों दिया है, समस्याएं क्या? आज समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी, जो सहारनपुर के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से और व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उनके निर्देशानुसार आज हम लोग माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से वित्त मंत्री को हम लोग 1 जनवरी 2022 को जो 5% जीएसटी 12% करने जा रहे हैं उसे वापस लेने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं आज मुख्यालय पर। और पूर्व में अभी कोरोना काल से व्यापारी उभरे हुए नहीं हैं और केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ बार बार व्यापारियों के ऊपर थोपा जा रहा है। इनका जो खर्चा है ये व्यापारियों के द्वारा उल्टा पुल्टा और जीएसटी के तरीके से दोहन किया जा रहा है, आज उसी के विरोध में और हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं। किसको दे रहे हैं? हम लोग वित्त मंत्री जी को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजने के लिए यहाँ आए हैं।